प्रेम नगर जो वणजारो सोहराब फ़कीर जी। नाज़रीन, सोहराब फ़कीर सिंध के सूफियाणे राग जो एक इंतहाई मुनफरद हवालो, जैं सिंध के सूफियाणे आवाज़ के सिंध की सूफियाणी शायरी के न सिर्फ़ समूरी सिंध के झंग झर तई पहुँचाया, पर समूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्क में पिण सिंध जो वो आवाज़ पहुतो। सोहराब फ़कीर जैं पंहिंजे मुख़्तलिफ़ रंग ऐं ढंग सां गायो, संदस अंदाज़, संदस रंग, संदस ई हवालो सुञाणप जो अहुञाण बणिजी वियो। सोहराब फ़कीर जी वर्सीअ जी निस्बत सां सिंध जे हिन अज़ीम कलाकार खे भेटा पेश करण जे लाइ पाकिस्तान टेलीविज़न मर्कज़ ही सुहिणो मंच सजायो आहे, जंहिंमें सोहराब फ़कीर जी शख़्सियत, उन जे फ़न, उन जे अंदाज़ ऐं उन जी ख़िदमतुनि जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ मेहमान पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कंदा। ऐं असांखे उमेद आहे त पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मर्कज़ ही जेको नंढिड़ो सांग सजायो आहे उहो सजायो साबित थींदो। सोहराब फ़कीर पंहिंजे अंदाज़ वारो फ़नकार हुयो, ऐं सिंध जे सूफियाणे राग में सुंग जे अंदाज़ में मोज़ नाज़रीन जेका रवायत हलंदड़ हुई उनखे हिकिड़ो नओं अंदाज़ सोहराब फ़कीर ॾिनो। ऐं अॼोकी निशस्त में जेका ॿिनि हिसनि ते मुश्तमिल आहे, सोहराब फ़कीर जी शख़्सियत, उन जे कम, उन जी ख़िदमतुनि जे हवाले सां जेके मोज़िज़ महिमान अॼु असां वटि मौजूदु आहिनि, मां उन्हनि जो तारीफ़ अव्हां ताईं पहुचाईंदो हलां। मुंहिंजे भरिसां वेठा आहिनि सैयद अमजद हुसैन शाह साहबु, ऐं साईं अमजद हुसैन शाह साहबु हिन वक़्तु पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मर्कज़ ते प्रोग्राम मैनेजर जी हैसियत सां पंहिंजो ख़िदमतूं सरअंजाम त ॾियनि ई था, पर इल्म, अदब, फ़न ऐं सकाफ़त जे मुख़्तलिफ़ शोबनि में जेका उन्हनि जी वाबस्तगी आहे, जेको उन्हनि जो कमु आहे, उन जी हिकिड़ी अलॻि सुञाणप आहे। अमजद हुसैन शाह साहबु सोहराब फ़कीर जे हवाले सां के नवां नुक़्ता, के नयूं ॻाल्हियूं असां ताईं पहुचाईंदो। ऐं मुंहिंजे भरिसां क़ुर्बान मंगी साहबु वेठा आहिनि। क़ुर्बान मंगी साहबु जो जेको बुनियादी हवालो आहे उहो हिकिड़े लेखक वारो आहे, हिकिड़े पब्लिशर वारो आहे, पर सोहराब फ़कीर सां बि उन्हनि जो ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो वॾो अरसो मुख़्तलिफ़ हवालनि सां गॾु गुज़रियो। अख़्तर दरगाही साहबु असां सां गॾु आहिनि, असां उन्हनि खे भलीकार था चऊं। ऐं अख़्तर साहब जो बुनियादी सुञाणप जो हवालो मोज़िज़ नाज़रीन शायरी आहे, पर शायरीअ सां गॾोगॾु सिंध जो तसवुफ़ ऐं सिंध जो राग जेको आहे उन्हनि ते उन्हनि जी गहरी निगाह आहे, ऐं मुख़्तलिफ़ मौज़ुनि ते उहे जॾहिं बि ॻाल्हाईंदा आहिनि त कमाल ॻाल्हाईंदा आहिनि। सो इन्हनि सभिनी मोज़िज़ महिमाननि जा पाण थोरा मञींदे चाहींदासूं त अॼोकी हीअ जेका तरतीब आहे, जेको सिटराव आहे, उनजो आगाज़ उन अलस्ती आवाज़ सां थिए जंहिं चयो त गलियां प्रेम नगर दियां हज़रत इश्क घुमायां। गलियां पिरे में नगर जा गलियां पिरे में नगर जा गलियां पिरे में नगर हज़रत इश्क़ घुमायम जो वीर में
फिर हबुलायम जोगी रमजान लाल मतिया फिर हबुलायम जोगी रमजान लाल गलिया फिर मिल कर जा गलिया फिर मिल कर जा गलिया फिर ओ गलिया फिर मिल कर जा गलिया फिर मिल कर जा गलिया फिर मिल हजरत इश्क घुमायम जोगी रमजान लाल सोनल शाह जी नाज़रीन सलामत सुराब फ़कीर रजब सुराब फ़कीर उन्हनि जे साथियुनि ऐं संगतियुनि जे आवाज़ में पाण ग़मदिल फ़कीर जी काफ़ी ॿुधीसूं ॾिठीसूं ऐं ईअं महसूसु थियो त उहो अलस्ती आवाज़ जेको सुराब फ़कीर जो आवाज़ हुयो उनजो पड़ाॾो उनजो अक्सु असांखे नज़र अची रहियो हुयो खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं पाण सुराब फ़कीर जा ॻायल खोड़ सारा गीत काफ़ियूं कलाम ॿुधंदासूं संदस फर्जंदन रजब सुराब फ़कीर सलामत सुराब फ़कीर उन्हनि जे साथियुनि जे आवाज़नि में फ़िलहालु पाण अॼोकी कचहरी जो आगाज़ कयूं था शुरूआति कयूं था साईं अमजद हुसैन शाह साहिबु साईं सुराब फ़कीर जी वर्सीअ जी निस्बत सां पाण गॾु थिया आहियूं हिकु तमामु वॾो कलाकार पंहिंजे रंग वारो कलाकार सभ खां पहिरियों सुवालु जेको मूंखे ज़हन में अचे थो त सुराब फ़कीर जी जेका शुरूआति पी टी वी कराची मर्कज़ सां थिए थी उनजे हवाले सां तव्हां वटि कहिड़े यादि कहिड़े क़िस्म जूं यादगिरियूं आहिनि या कीअं उहो वॾो फ़नकार कीअं पी टी वी ताईं पहुतो ऐं आम ताईं पहुतो साईं मुंहिंजा सुराब फ़कीर अहिड़ी शख़्सियत लाइ हिकिड़ी आहे त सचु पर थी सघे त ॾुखियो हुजे उन जी शख़्सियत खे सर्जण में रेडियो ऐं टी वी जो को कमाल कोन्हे
उन्होंने पहरों दफो टीवी से गाय हुए न गाय हुए उन्होंने पहरों दफो रेडियो से गाय हुए न गाय हुए इन सा को फर्क न तो पे। हाँ यह गाल है तो शायद तहकीकी हवाले से या जान के हवाले से यह गाल होजन घुर्जे पर सर इन में यह जो राय जी भी है तो उन्हें पहले टीवी से परफॉर्म किया ए रेडियो से बाद में परफॉर्म किया इन तहफुजात पर छो तो इन सा इन शे से सोहराब फकीर की शख्सियत गुलूकारी फन से को असर को पवो छो तो सोहराब फकीर साईड़ो मैदानी फनकार हो असर थी वह दरगाह थी इन चेजे तो रेडियो ए टेलीविजन का अगमें सोहराब फकीर ही हो जी जी बिल्कुल बाकी यह गल सही तो उन वक्त में रेडियो से एडा वा मू हुआ यो मुमकिन ना है तो टेलीविजन से एतरा वा प्रोड्यूसर एडा वा मू हुआ उन अड़ी सोहे आवाज़ के उन नज़रअंदाज किया हो यकीन जैसे आवाज़ की खुशबू झंगझर जी मेल गूंजी होंगी तो इो इदार इदार यो जरूरी है यो इदार एजाज़ आ तो उन्होंने अप्रोच कर उन जमाने में भी सिंध सिंगार कचहरी इन किस्म जहाँ प्रोग्राम हलदा मौसीकी जहाँ प्रोग्राम हलदा लोक रंग प्रोग्राम हलदा तो यकीन उन्होंने अप्रोच किया वो हों भाई सोहराब फकीर तमाम उत्तर सिंध तमाम सुनो फटकार है तो उनके घुरा वे पर यो सिर्फ सोहराब फकीर न अख्तर साई वो आ साई की ढी माई बेगम फकीरानी पर अड़ा खोड़ सारा फनकार अड़ा जिनके मीडियम एतरी शोहरत नी जेतरी उन आवाम तई खुद की पहुँच हुई सही सही ए मतलब इन मीडिया से भी आया तो मीडिया समझो तो इनकी अचान घुर्ज पर इन फन की तरवीज लाए या उन फनी शनाख्त लाए इन इदार जो ए सच को रोल ना उनकी हुई इनफरादत हुई उन फन की शख्सियत की जैसे कर टीवी ते पौता रेडियो ते पौता पर हाँ यह रिकॉर्ड की दुरुस्ती है ये तक तहकीक वाला मूल बुझा सकता पाया पर इन में राय जो इख्तलाफ आ म्यूजिक की प्रोडक्शन जो तवजी सुप है शख्सियत की सिंधी म्यूजिक हुए उर्दू म्यूजिक हुए मुल्की सतह से कम है उनके मान की निगाह से दिखो वे तो पा सोहराब फकीर जो राग है उन गाइंदूँ पर फिलहाल मुझे हथ में एक किताब है चाहिंदुस पांजे नाजरीन ताई इन किताब जो मुख पहुँचाया गलियाँ प्रेम न गर्दियाँ मौजूद नाजरीन हि किताब है जो नामियारे शायर ब्रॉडकास्टर जनाब कौसर बुरड़े साहब मुरतब किताब में सोहराब फकीर की शख्सियत फन के हवाले से मुख्तलिफ़ लेखक यादगार मज़मून भी शामिल हैं सोहराब फकीर जो पांजो इंटरव्यू भी शामिल है केतर नायाब तस्वीरों भी शामिल हैं इन किताब जो जो पब्लिशर है वो है कुर्बान मंगी साहब जो मूसा गड वेठो है कुर्बान साहब मां गाल जी निस्बत इन हवाले से जोड़न पे चाहम तो सोहराब फकीर के हवाले से ही अहम किताब भी छपो है जाती जिंदगी में जाती हवाले से तवजो उन इलाही साथ भी रो आए मुलाकातू भी रही खास तर सचल साई के मेले के हवाले से सचल यादगार कमेटी के हवाले से उाल तालुक कि जुड़ो उदगिर असा वंडन चाहिए मुख्तसरन जी अस नाजरीन तीन उ पहुँचा सकूँ सोहराब फकीर से मुझी जी पे जान सु थी 1980 जो साल हो हाँ अस तंजीम होंगी पोपट सिंध बाल संगत पोट ही हाँ। ब्यासी में पर असो रिसालो निकल बार पोपट उन जमाने में सो टालपुर वडा में अस उन ब्रांच कायम कई से सही खैरपुर का टालपुर वडा में जैसे ब्रांच कायम थी तो टालपुर वडा के मुझे साथियों चयो तो अस टालपुर वडा में बार मेलो कर चाहूँ था गड़ी कर मेलो कज पोपट की तरफा सो अस 1980 में जो मेलो कयोसे तो मुझे उतान के दोस्तन चयो तो इन तरह में सोहराब फकीर भी एक सूफी रागी है छो न सा बार मेले में उनके वी चो तो यो तो हि बार मेलो आ छो नार आइटम पेश किया उन्हें तो वो हर दिल अजीज मू है जैसे इतने इंदो तो असें मेले में चार चंड लगी वा सही मुझे बिल्कुल तो असें उन टालपुर वडा में मेलो कयोसे सोहराब फकीर उत आयो महफिल मौसीकी सजो छाए वो
सही मुखे उते पेंट पतल हुई सो जरे होजमालो थियो त आखिर में सजो होजमालो मुते वे गए त जेके 16 मानु सूट सा होजमालो त या मुजी सोरा फकीर सा पहली मुलाकात हुई 41 साल पहले सही सही उन खा पो सचल यादगार कमेटी सा मुजी वापस सके थी 81 में हां चल सरबस जा उरस शुरू थन था त उता वरी सोराब सा मुजी बाकायदा एकडी दोस्ती जो आगाज थे तो सोरा फकीर हर साल सचल सरबस जी मेले ते मिंदो ए मी तंग में एकडी गाल सिदो ला त सचल जे मेले ते मुख्तलिफ सुंग इंदा होया पर जदे उन वक्त मुमताज मिर्ज़ा साहब जदे मेज़बानी कदो होयो महफिल मौसीकी जी सही त जदे सब का पेरो सब सुंग मथे घुराइंदो जदे सबई सुंग मथे इंदा होया त सबनी सुंगन जी नुमाइंदगी या लीडरशिप चो तो सोरा फकीर कंदो होयो ये खणे समझो तो खैर पजे सबनी सुंगन जो हां जेकर गुलदस्तो आहे एकडे गुलन जो त उने में गुलाब जो गुल जो को होयो जो नुमाया गुल होयो वो सोरा फकीर होयो वाह इनम कोशक जो आलाप हन वक्त मां ओलो आलाप किथे भी कोन बुधवा सोरा फकीर जो आलाप जो को आहे उन खा पो अगते असजा सिलसिला हलदा रहया आखरी दम ताई सोरा फकीर सा मुजो एकडो साथ रहयो इलाही गालियन वक्त वक्त तवा सा बिल्कुल गालियो तवा का बुधंदा से यकीनन एकडो यादन जो खजानो आहे ता वट सोरा फकीर जे हवाले सा मैं चाहिए सही जो जो कचहरी भी आहे जेका उन्हें के बजाय जो कहीं एकड़े लीक ते या लकीर ते पान हलायूं गाल में गाल जी निकरंदी सोरा फकीर की शख्सियत के हवाले से गाल निकती सुंग जी अख्तर दरगाही साहब मैं तवा तरफ तो अचा कुर्बान साहब गाल की तो सुंग में गाइंदो हो सभी सुंगन की जहाँ है अगुवाणी कंदो हो पान वट सिंधी राग में सिंधु के राग में सुंग की रवायत केतरी कदीम है वो तवा का असा बुधन चाहिंदास इन इन रवायत के सोराब फकीर कड़े किस्म जो नव अंदाज दिनो जो उनकी जो सुणप है सभी का अलग थी बीठी सोराब फकीर जो सिंधी राग में अचान मां जे सुंग वाली गाल चाहें तो सिंधी राग में अचानो करामत ही जो मौजो थी वो तो यो सोचो तो सोराब फकीर जैसे अमली तौर पर मैदान में अची गाए तो उन वक्त उनकी उम्र 50 का मथे आच्छा 1934 में जायो आ 1984-83 का पो अचे अमली मैदान में जहाँ कुर्बान साहब गाल कई असी वाली उन दौर में गाइंदो जरूर होंदो पर उन दौर में सोरा फकीर थोड़ा पॉपुलर न हो या उनको जो हल्को हो राग जो महदूद हो छो तो वह बुनियादी तौर से सूफी रागी हो ताल्लुक भी सूफी दरगाह से हो खुश खैरमंद फकीर से पर उनको असल आर्टिस्ट हो जो उन अंदर में हो वो 50 साल तक जाहिर न थो उन अंदर में वो जण एक किस्म की वही तैयारी कर रो हो वक्त जो इंतजार कर रो हो सोरा फकीर जो आर्टिस्ट जो अंदर में जो आवाज़ हो जो आलाप हो इन 50 साल तक 50 साल तक उन राग की सिख्या हासिल कई हूँ तो उनको तालुक पा ही राग के घराने से हो असो वालिद साहब या मिट माइट हुआ सब इन खानदान जहा मौसीकी के खानदान जहा मू हुआ पर उन रोहड़ी शहर में अची उन वक्त जो रोहड़ी में सीनियर जो खानदान हुयो राग जो वो हुयो उस्ताद खेते खान नालो हुयो मारवाड़ खानदान के तालुक उनको उनको वालिद साहब हुयो उस्ताद खेते खान सोरा फकीर जो उस्ताद हुयो उनको वालिद साहब हुयो उस्ताद फकीर मोहम्मद वो पांजे दौर जो वो सारंगी नवाज हुयो सही रागी भी हो पर उनकी जो सुण पी वह सारंगी नवाज की भगत कंवर राम से वो सारंगी वजाई हो उनके भी रिकॉर्ड थे उनमें सारंगी उन्हें वजाई आ उनके फकीर फतू फकीर भी चवंदा उस्ताद फकीर तो हू उन जो शागिर्द थे तो राग में सोरा फकीर कदें तो थे हाँ तो अंदाजो लाया तो उस्ताद केते खान 1969 में फोत थी हाँ जाहिर है यो सोरा फकीर इन वट 60 के दहाके में आयो हों वध में वध उन वक्त सोरा फकीर बहसियत रागी आई को उतना सीखे तो पो सीखने का पोजे फन की शुरुआत तो करे तबला नवाज हैसियत में वो तबलो वजाए तो छो तो उन खानदान में म्यूजिशियन भी रहा है अस डोस तो वन आर्टिस्ट लोकल आर्टिस्ट भी तबलो वजाए तो असो उस्ताद खुर्शीद अहमद खुर्शीद अली खान साहब जो है वो उनको तबला नवाज थे तो पो अख्तर साहब तवे गाल के अगत वाइंदूँ इन ती अहम गाल तक बुधा रहा हो पर इन वक्त वो लम्हो अस मौजूद है जै लम्हे में अस एक दफो बीहर एक अड़ी काफ़ी बुधंदूँ जैके सोरा फकीर गायो पांजे संतिन सुंग से गड उन काफ़ी
शोहरत जिन केतरा ही आसमान जो रंगिया सचल साईं की जग मशहूर काफ़ी है घुंड खोल दीदार विखाओ उ पान गजी बुधंदासूँ नाजरीन सचल साईं जो कलाम हो जे सोहराब फ़कीर जे फन जा जे वारिस रजब सोहराब फ़कीर सलामत सोहराब फ़कीर उन्हों समूरो सुंग उन आवाज़ में उन अंदाज़ में जैसे सामूँ इंदी तो यकीन एक रंग जुड़ो बुधूँ था सचल साईं जो कलाम सलामत सोहराब फ़कीर रजब सोहराब फ़कीर उनके साथियों के आवाज़ में
जी मोजिज़ नाज़रीन सचल साईं जो कलाम बुधोसूं सलामत सुराफ फ़कीर रजब सुराफ फ़कीर उन्हनि जे साथियुनि जे आवाज़ में यकीन नवां खे वणियो हूंदो। हिकु दफ़ो ॿीहर पाण कचहरीअ खे जारी रखूं था। अमजद साईं तव्हां खां हिकु दफ़ो ॿीहर मां इहो पुछणु चाहींदुसि त सुराफ फ़कीर जे गले में सुराफ फ़कीर जे आवाज़ में उहो कहिड़ो दर्द समायल हुयो जो उहो दर्द एॾो पखिड़िजी वियो जो समूरे आलम खे पंहिंजे जकड़ में आणे छॾियईं। साईं मुजाद सुराफ फ़कीर मुंहिंजे हिसाब सां जेको मां सम्झां थो पियो त उहो हिकिड़ो सिर्फ़ु रिवायती सुंग ॻाइण वारो फ़क़ीर न हो। हुनखे मौसीक़ीअ जी तमामु सिनफ़नि ते मूंखे लॻे थो इहो बेशक हुन कलाम काफ़ी सूफ़ी आइटम घणा ॻाया हुजनि पर इहो को सिखियलु फ़नकारी ॻाए सघे थो पियो। सही हुन जे आवाज़ में जेका लचक जेका मींढ जंहिंखे चइजो आहे मौसीक़ी ज़ुबान में उहा तमामु घणी ॾिसो हुन जा जेके बि तव्हां आइटम ॿुधो उहे आइटम अहिड़ा न आहिनि जेके पहिरियों दफ़ो सुराफ फ़कीर ॻाया ऐं मशहूरु थिया ईअं न आहे। सही मेॾा रू मगदा महबूबा वे इहे पहिरियों फ़क़ीर ॻाईंदा हुआ। रुख रांझन माफ़ मुनीर हुआ इहो बि पहिरियों ॻायल आहे ऐं सिघो मोट सां वला वरी इहो इहे बि पहिरियों आहिनि। जेको नानक यूसुफ जो हिकिड़ो मशहूरु आइटम आहे जेको सिंगर लिस्टर में कंपोज़िशन आहे केतिरा ई हा अली दियमान हुए पपा उमिरदराज़ ॾिसो पर जेॾी महिल उहो सोराब साईं ॻायो त उनखे ॼण वधीक हिकिड़ी मञता बि मिली ऐं उहो वधीक असांजे रूह खे उन टच बि कयो। हा छो त उनजो अंदाज़ उनजी आवाज़ में हिकिड़ो मिठास हूंदो उहो छो हूंदो त साईं मुंहिंजा ॿुधंदड़ त महसूसु थींदा ई हुआ अमर साईं पर सभ खां पहिरियों सोराब फ़क़ीर पाण महसूसु थींदो। सही ॻाइण महिल हुनजी बॉडी लैंग्वेज तव्हां ॾिसो जेकॾहिं ढोलक वारा जेके घणो करे हुनजा पंहिंजा भाणेजा ई हूंदा कलंदर बख़्श ऐं पंहिंजो उस्ताद जलाल ॿई तमामु सुठा ढोलक वारा कमाल जा सिंध जा मञियल ढोलक वारा उहे हुन सां गॾु हूंदा ऐं ॿियो सिंग में पंहिंजा पुट बि हूंदा भाइटिया बि हूंदा कुझु शागिर्द बि पर सभ खां वधीक उन ग्रुप में जेकॾहिं को इंजॉय कंदो हूंदो हो मज़ो वठंदो हो हिज़ वठंदो हो त उहो सुरा फ़क़ीर पाण उहो कीअं त जेॾी महिल बि ॻाईंदो हुनजे कंध जी चुरपुर मां हुन जे बाजे जी रविश मां ऐं हुन जो सम ते अची ईअं कंधु हणणु उहो लॻंदो त हुनजे लूह लूह में रिदम लय तार सुर ॼण ईअं बधी इहे बिल्कुलु अंदरि उन मौजूदु आहे। सही इन करे ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त इहो ॾिसो त आवाज़ जी पुख़्तगी जेॾी महिल कंहिं बि शइ खे ऐं हमेशह जेकॾहिं अंतरो या अस्थाई या उनजी संचाई या लिंक लाइन जेका ॿुधी उन में तव्हां उनजी एंड में तव्हांखे का मुर्की या मींढ ज़रूरु मिलंदी। अख़्तर साईं मौसीक़ीअ जो माण्हू आहे सम्झंदो हिन ॻाल्हि खे ॿुधंदड़ बि तव्हां सभु माशाला उहा मुर्की सिर्फ़ु उहो फ़नकारु ॾेई सघे थो या मींढ उनजे गले में अची सघे थो जे बाक़ाइदे फ़न मौसीक़ी सिखी हुजे। सिर्फ़ु चपड़ी अख़्तार ते ॻाइण वारा जेके सुंग या फ़क़ीर उहे उन्हनि कलाम ते तमामु सुठो ॻायो ऐं उनमें मज़ो बि हूंदो जीअं साईं पंहिंजो मोटर शाह जी ॻाल्हि थी ऐं तमामु सुठो ऐं फ़क़ीर ग़ुलाम हुसैन ॿई तमामु सुठो ॻाईंदा पर मौसीक़ीअ जी रमज़ गायकीअ जी रमज़ जेका सोरा फ़क़ीर साहिब जे हिसे में आई ऐं जहिड़े नमूने सां उहो लय खे इंजॉय कंदो ढोलक खे छो त पाण जीअं अख़्तर साईं ॿुधाए तबलो वॼाईंदो त उहा लय ॼण हुन में बसि बिल्कुलु रचियल हुई हुनजे लूह लूह में ऐं मज़ो वठंदो। अच्छा फ़नकार जेसि ताईं पाण मज़ो न वठंदो तेसि ताईं ॿुधंदड़ वारनि खे कॾहिं बि महसूसु न कंदो। इन करे उन बाक़ाइदे उनमें जेॾी महिल सम ईंदो जेॾी महिल टिका ईंदा हुआ जेॾी महिल उहा कलवाड़ जे तार ते जेॾी महिल उहो हिकिड़ो वजद तारी थींदो हो त चपड़ी यकतारी जो आवाज़ु बचे थो पियो ऐं बाजे जो एॾो माशाला तयारु उहे नंढा नंढा जेके बार पीस ईंदा हुआ न उहे बि लॻंदो हो त ॼण के अठ ॾह बाजे वारा आहिनि जेके गॾु था वॼाइनि माना बाक़ाइदे अच्छा बाजे में बि उहा लय जेका रिदम वारी लय सही माना सिर्फ़ु ईअं न त पंजो वठी कॉड वठी ॻाइणु शुरू कयईं न
बाक़ायदे बार पीस आयो या पीस आयो तो वो लगन दो तो वो पीस जो अरेंज कें म्यूजिक डायरेक्टर आए माना उ सुठा बाजी वजाने वाला जो उस्ताद लौंग या उस्ताद बचल खान वाला या बिहार सुठे बाजी वजाने वाला उसे पीस कलाम काफिर में वजाइंदा ना सोहराब फ़कीर के आंगुर में उन्दी शूँ पर साई सोहराब फ़कीर यह रवायत भी विधि जो पा बाजो वजाई हालांकि यह रवायत मान तो समझा तो सूफी फ़कीर के सुंगन में हो हमेशा हुंदा सर पर उहे अलग संगत कदा पर सोहराब से पाण कदा पाण पाण इन करे गले सा जेडी मतलब हारमोनियम जो मतलब आ हम आवाज के पंजे गले सा हम आहंग करू ना सही वो बाजो जे बाजे जो आवाज उन जो आवाज मतलब गले सा हम आहंग थिंदो गलो आंगरी जे पाण में सिंक्रोनाइज कदियो ना त मानु वधिक जायु वनी सकदो आ वधिक रविश वनी सकदो आ वधिक उन के मजो ईदो आ त लय हुई सुर भयो आ एकडी वजदानी कैफियत आई पंजे पाण के मथे जड़ल बेन जहाँ गायल आइटम भी घो कर सोहराब सा गाया बेन जहाँ गायल आइटम सिगर सलीम जहाँ भी गई मुख्तलिफ बेन सूफी फन के फ़कीर जो दरगाह से फ़कीर नयनायत वा सभी आइटम गई पर यकीन कर जो मतलब सोहराब सा गाया तो अलग एक मजो असें में आयो अलग उनमें रंग आयो अलग उनमें चाशनी जो भरपूर ही सही इन करे जेडी मल भी तो मैदान मारे वो बिल्कुल यही उन्होंने इनफरादियत है कुर्बान साहब तुम पुछण यो चाहिए तो सचल सर मस्त यादगार कमेटी जहाँ तुम अहम रुकन रहा उनखाई सोहराब फ़कीर यादगार कमेटी जहाँ भी सरपरस्त रहा तो इन बिन्हीं इदारन के तरफा सोहराब फ़कीर के कड़ी सतह से कड़न कड़न हवालन से मान दिनों वो है या याद रखो वो है अस वो जिक्र बुध चाहिए तवक सचल सर मस यादगार कमेटी एवॉर्ड जो सिलसिलो 1991 को शुरू कयो सही इन का पहले 81-82 में मेडल्स दिना वा हुआ सचल शनासी ते सही उस्ताद अब्दुल गफूर के आबदा परवीन के गोल्ड मेडल ए सिल्वर मेडल भी दिना वा हुआ पर एवॉर्ड की शुरुआत उन वक्त जी डिप्टी कमिश्नर मंजूर अवान साहब कई यादगार कमेटी वट सोहराब फ़कीर की एडी वही हैसियत हुई जो बगैर डिबेट करण के पर्यों मौसीकी में बेहतरीन गायण वाले जो एवॉर्ड सोहराब फ़कीर के अचे तो सही यादगार कमेटी तरफा लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड दिनों उनके बेहतरीन गायण जो भी एवॉर्ड दिनों जैसे भी गाल कर चुको तो जैसे भी सालियाने उर्स की शुरुआत थी ही तो सुंगर प्लस बया जो भी फनकार जैसे शुरुआत सभी थी गडल छो जो जी भी फनकार सभी के गुड घुरा मत अगत टाइम न मिले सब तो उनकी भी लीड सोहराब फ़कीर को कराई वेंदी हुई तुम माजी वी हल तो जैसे अस टालपोरा में फंक्शन कयासे तो जैसे सोहराब फ़कीर उत गाय तो उन वक्त रेडियो को आयो हु सही रेडियो की शुरुआत थी 1983 का रेडियो पाकिस्तान खैपुर की शुरुआत सही ही वाक असा इवेंट करायो से 1980 में त इत्तेफाक सा जदे रेडियो खैरपुर की शुरुआत थे पई त स्टेशन डायरेक्टर वरी भी डिप्टी कमिश्नर के गुजारिश कई सही त असा के सब लिस्टू खपने ता जे फनकारन जो गुलूकारन जो म्यूजिशियंस जो शायरन जो मेज़बान जो तो वो भी उन वक्त डिप्टी कमिश्नर मुख्य मोकिल रेडियो पाकिस्तान में मनीर सुमर साहब नो आयो अना टे कमरा भी को मनीर सुमर साहब रेडियो पाकिस्तान डायरेक्टर उन्हें अच्छी करे जिले काउंसिल हॉल में सही। ये टे चार कमरा ठहराया अना बिल्डिंग भी उनकी को शुरुआत थी हुई सो मैं एच पी टी उन टाइम दिनों मैं वही पूरे जिले खैरपुर के फनकार की उनके लिस्ट पेश कई सही तो ये अस जिले जहाँ से फनकार शायर साजदान ये मेज़बान हैं पर खुशी की गाल है तो इतफाक की गाल भी है तो यो एजाज खड़ी चो या नसीब की गाल चो तो यो पीटीवी के नसीब में समझो तो सोहराब फ़कीर पे पीटीवी से आयो रेडियो खैरपुर से जैसे 83 में रेडियो पंजासी में वरी बिल्डिंग नहीं ठही हाँ साहब तल्टा अहम गाल बुधा रहा हो पर अस तक यह गाल जरूर बुधासूँ तक यो भी पुछंदूँ तो सोहराब फ़कीर यादगार कमेटी जी है सोहराब फ़कीर अकेडमी है उन हवाले से तवजूँ अग भर यो भी तक पुछ चाहिंदूँ पर फिलहाल पा हलूँ था साई अख्तर दरगाही साहब दे दरगाही साहब सोहराब फ़कीर जो खानदानी पस मंदर है राग के हवाले से उनके तुम कें ऐसो सोहराब फ़कीर के घराने में उनके कुटुंब में रागदारी तक नज़र कें थी अचे इन सफ़र में सोहराब फ़कीर गुलाब वागू टिड़ी सामू अचे तो निशांबर थी पीए तो
इन पसमंतर के तमा किन था दसो सिंध में जेके राग जा घराना रहया आन वे शुरुआती दौर खा वठी त अस जा मंगणहार भट्ट भान चारण जेके असल सिंध जा असलु का जेके राग जा घराना उन खा पो जेको हिंदुस्तान मा जैसलमेर रियासत मा जेके राजस्थान मा जेके खानदान लडी आया सिंध में जिन अची सिंधी राग के तमाम घणो पांजो हिस्सो दिनो सही उन्होंने सिंगर अली सलीम जो खानदान मेवाती उ भी इन ही इलाके में आया इं सोहरा फकीर जो खानदान भी राजस्थान जैसलमेर में मारवाड़ खानदान है सही जेके सिंध में आया ए साग्यो खानदान जो उस्ताद खेते खान जो मु गाल कई वा पूरी न थी सकी वो भी इन साग्यो खानदान हो बेसिकली ही खानदान ही मौसीकी जो हो जो पांजो वालिद साहब शायद अमल फकीर वो पा गाइन हो खानदान में म्यूजिशंस हुआ रागी हुआ पर सोहराब फकीर अजा पैदा को थो वो हिकड़ो ही थो उन्होंने खानदान में जो गाल कई तो उन शुरू में जो खेते खान का सीखो रोड़ी में तो रोड़ी शहर से टे नस्बतू तमाम गहरू हैं एक उनो उस्ताद रोड़ी में हो उस्ताद खेते खान जिता हूँ सीखो जी अमजद शाह गाल कई तो इहा मुर्क इहा मींढ इो सुर जो लगाव इंद ही उन फनकार के जो सीखल हों की जी वही गाल सोहराब फकीर की इ हुई त सूफ़ी फ़कीरन में सूफ़ी सुंग में हिकड़ो सुर जी जेका नई जेका शिकिल अची वही जेका अट्रैक्ट करे पई सुरीलन के माण्हू चवंदा हुआ आम सिंध जो सूफ़ी राग ख़ासि तौर ते जेके गवैया हूंदा हुआ उहे चवंदा हुआ त फुकराई राग आहे इन जी का एतिरी अहमियत न आहे पर सोहराब फ़कीर इन जहिड़ा ॿिया अहिड़ा रागी पैदा थिया जिन ख़ुदि क्लासिकल रागनि जो ध्यानु छिकायो पर मूंखे हिकिड़ी वाक़ियो यादि अची वियो आहे त इहो ख़ुदि उस्ताद मंज़ूरी ख़ान जे लाइ चवनि था त उन सोहराब फ़कीर खे चयो त तूं ॻाए हाणे मूंखे यादि अची वई आहे हिकिड़ी त हिकिड़े महफ़िल में हुन ॿुधो शौक़ी आहे त चई तव्हां सुठो ॻाए थो तूं तबलो न वॼाए तूं ॻाए माना हुन हू उस्ताद मंज़ूरी ख़ान जोहरी हुयो हुन ख़बर ई त हिन जे गले में हिकिड़ो सुर आहे त इन वाले सां सोहराब फ़कीर जो ख़ानदानी पस मंज़र जीअं तव्हां चयो म्यूज़िक सां हुयो ऐं उस्ताद ख़ुर्शीद अली ख़ान वटि रोड़ीअ में हू तबला नवाज़ जी हैसियत में त आयो पर उनजी जेका क्लब हूंदी उस्ताद ख़ुर्शीद अली ख़ान जी साज़ो आवाज़ क्लब सही त 70 जे ॾहाके में उन क्लब जो मेंबर बि थियो हो उस्ताद जो शागिर्द बि थियो हो ऐं उते तबला नवाज़ जी हैसियत में पर उते सोहराब ख़ान सॾाईंदो हो सही सोहराब फ़कीर अॻिते हली हुनजी जेको सुञाणप थिए थी पई उहा बाद में थिए थी पई अख़्त साहबु सोहराब फ़कीर जी शख़्सियत ऐं उनजे राग सां मुनसलिक जेके ॿिया मौज़ू आहिनि सिंध जो सूफ़ी राग आहे सिंध जो तसवुफ़ आहे ऐं मौसीक़ी जा जेके मुख़्तलिफ़ स्कूल्स आहिनि इन्हनि ते तफ़सील सां ॻाल्हाए सघिजे थो यकीननि असां तव्हां खां ॿुधण बि चाहींदासूं पर अॼोकी जेका निशस्त आहे उन्हनि जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे मां तमामु घणो थोराइतो आहियां अव्हांजो जो तव्हां आयो ऐं असांजे प्रोग्राम में शरीक थियो क़ुर्बान मंगी साहिबु तव्हांजी लख महिरबानी लख थोरा जो तव्हां आयो ऐं असां सां गॾु रहियो साईं अमजद शाह साहिबु तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां पंहिंजो वक़्तु कढियो हिन असांजे गुफ़्तगू में शरीक थियो अॼोके प्रोग्राम जी पुॼाणी कयूं था ऐं असीं चाहियूं था त आख़िर में सोहराब फ़कीर जो ॻायल हिकिड़ो लाज़वाल कलाम अव्हां जे नज़र कयूं रजब सोहराब फ़कीर सलामत सोहराब फ़कीर ऐं हुननि जे सुंग जे आवाज़ में अचो त गॾिजी ॿुधूं था सिघो मोस्ट सांवल वरी आहे वतन ते अव्हां जो मेज़बान अमर इक़बाल इन ई कलाम ते अव्हां खां इजाज़त चाहे थो सदाई गॾु वेहन वञ मुंहिंजा पिरी तो
जदें पूरो थे पसार तदें वन्यन जूं वायूं कजा उस घुमोट समला वरिया वतन उस घुमोट समला वरिया वतन चुमा पेर तुही जा चुमा पेर तुही जा वो चुमा पेर तुही जा घुमाया यखिने ते घुमाया यखिने ते उस घुमोट समला वरिया वतन उस घुमोट लगी बाप दल के सिगो मोटे समला वरिया वतन सिगो मोटे समला वरिया वतन चुमा पेर तू ही जा चुमा पेर तू ही जा ओ चुमा पेर तू ही जा घुमाया यखिन ते घुमाया यखिन ते सिगो मोटे समला वरिया वतन ओ सिगो मोटे Shout out.